हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं 2 कटोरी बेसन, 7 ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चम्मच अजवाइन लेंगे और अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बैटर हम रेडी करेंगे और 10 से 15 मिनट इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल के ऐड किए, साथ में 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 छोटा चम्मच अमचूर और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसे धीमी आंच पे भूनेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मैश्ड पोटैटोस और ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई। और इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही एक कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए और उसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और 1 ब्रेड स्लाइस पे मैं ग्रीन चटनी अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ और दूसरे ब्रेड स्लाइस पे हम टमेटो केचप अच्छे से स्प्रेड करेंगे और साथ में हमने जो पोटैटो मिक्सचर रेडी किया था उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड करके हम इनको अच्छे से 2 पार्ट्स में कट करेंगे। और अब हम इसे बेसन के बैटर में अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए किस तरह के आपके बने और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।